तो दोस्तों संडे को मैं लाइव आता हूं और आप लोगों के चैनल चेक करता हूं अब मैं यहां ये यह देखता हूं कि बहुत ज्यादा चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं और उनके शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे क्योंकि वो कुछ गलतियां कर रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनसे जो आपके शॉर्ट्स हैं वो बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे तो अगर आप शॉर्ट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो या आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा और सीरियसली सारे टिप्स को अपनी आने वाली जो शॉर्ट्स है उनमें अप्लाई जरूर कीजिएगा ताकि आपको यूट्यूब पर काफी अच्छा बूस्ट मिल सके और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहां पे मिलते रहते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं योगी योगेंद्र आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक बैट तो वीडियो so, में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं देखिए इस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है कैपिटल डॉट कॉम और यह एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि हमें इन्वेस्ट तो करना है लेकिन हम स्टार्ट कहां से करें तो आप कैपिटल डॉट कॉम से स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज कमोडिटीज शेयर मार्केट इसके अलावा सी में भी ट्रेड कर सकते हैं और इन सभी एसेट्स में आप सी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं इसकी खास बात यह है कि आप फोर थाउजेंड ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इसके अलावा यह आपको सेवेंटी इंडिकेटर प्रोवाइड करता है अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए जिससे कि आपकी जो ट्रेड करने की क्षमता है जो पॉसिबिलिटीज है वो अप टू हंड्रेड एक्स लिवरेज के साथ हो सकती है अब यहाँ पे बात यह आती है कि भाई हम कैपिटल डॉट कॉम को क्यों चूज करें तो सबसे पहली बात तो जो आपका ऑर्डर है वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है हाई प्राइवेसी आपको यहाँ पे मिलती है और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को भी ये फॉलो करता है इसके अलावा ये ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेडिंग गाइड प्रोवाइड करते हैं और इकोनॉमिक और मार्केट की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज होती है उनके भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं इसके अलावा ट्रांसपेरेंट रिव्यूज आपको मिलते हैं और ट्रेनिंग पर्पज के लिए ये आपको ऑफर करते हैं एक डेमो अकाउंट जिससे आप इसको करने से पहले टेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा जब आप कैपिटल डॉट कॉम पर रजिस्टर करते हैं टॉपअप करते हैं ट्रेड करते हैं तो आपको 50 मिल जाते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियोस भी बनाते हैं और शॉर्ट्स भी बनाने लगे क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे जब रिव्यू किया कि बहुत सारी लॉन्ग वीडियो भी डाल रखी है और बीच बीच में शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं अब इसकी दो वजह हो सकते या तो आप लॉन्ग वीडियो पहले से बना रहे थे और आपको लगता है कि आपकी जो लॉन्ग वीडियो है उन पर व्यूज नहीं आ रहे तो आपने सोचा चलो आप शॉर्ट्स वीडियो बनाने लग जाते हैं क्योंकि शॉर्ट्स पर बूस्ट मिल जाएगा तो हमारी लॉन्ग वीडियोज पर भी जो है ऑडियंस आ जाएगी लेकिन मुझे ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप एक ही चैनल पर लॉन्ग वीडियो भी डालें और शॉर्ट्स भी डालें तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप दोनों तरह की वीडियो पे काम करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग वीडियो का जो अपना चैनल है वो अलग बनाएं और शॉर्ट्स का चैनल अलग बनाएं और हाँ एक काम और कर सकते हैं अगर आपके लॉन्ग वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं या आप दोनों चैनल बनाना चाहते हैं किसी भी कंडीशन में अगर आपका जो शॉर्ट्स का आपका जो चैनल है जो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको व्यूज उस पर मिलने लग जाएंगे और जब आपके शॉर्ट्स पर व्यूज आ रहे हैं तो वहां पर मेन चैनल है जिसपे आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं उसको भी वहां पे लिंक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हैं तो आप शॉर्ट्स की जो ऑडियंस है उनको थोड़ा बहुत तो ट्रांसफर कर ही सकते हैं आपके लॉन्ग वीडियो वाले चैनल पर अभी जो शॉर्ट्स है और जो लॉन्ग है ये दोनों चैनल अभी एक तरीके से अलग रहेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो पे आप डायरेक्ट मोनेटाइज से पैसा कमा सकते हैं स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हैं ब्रांड प्रमोशन वगैरह बहुत कुछ वहां पे होता है सुपर थैंक्स वगैरह बहुत कुछ लेकिन जो आपका शॉर्ट्स का चैनल है उस पर अभी आपको फंडिंग मिलेगी अगर आपकी वीडियोज वायरल होती है शॉर्ट्स वायरल होते हैं दो दिसंबर तक तो फंडिंग आपको मिली जाएगी इसके अलावा मैं कुछ ऐसे तरीके भी बताने वाला हूं जिससे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी आपके शॉर्ट्स पर तो वो तरीका क्या है सबसे पहला तरीका जो कि बहुत काम का है कि आप अपना जो शॉर्ट्स है ना वो मोबाइल में जो क्रिएटिव शॉर्ट वाला फंक्शन है वहां से आप क्रिएट करना ही नहीं है बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्रिएटिव शॉर्ट पे क्लिक करते हैं और मोबाइल से ही बना देते हैं उसमें काफी सारी कमियां रहती है एक तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर शॉर्ट्स में क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि हमेशा शॉर्ट्स जब आपको बनाना है तो एक्सटर्नल सोर्स से बनाना है यानी कि आपको पहले शॉर्ट्स को तैयार करना है अब यहाँ पे दो तरीके से आप शॉर्ट्स बना सकते हैं पहले आप काम कर सकते हैं एंटरटेनमेंट पे अगर आप एंटरटेनमेंट वाले शॉर्ट्स बनाते हैं लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं तो देखिए अगर आप डांस वांस बहुत अच्छा करते हैं बहुत ही बढ़िया आप डांसर है तो आप डांस वगैरह के बना सकते हैं बट उसमें उतना मेरे को फ्यूचर नहीं लगता है क्योंकि वहां पे स्पॉन्सरशिप वगैरह का प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में रहेगा तो एंटरटेनमेंट के आप किस तरह के बनाएंगे शॉर्ट्स उसकी बात करेंगे दूसरा आप एजुकेशनल शॉर्ट्स बना सकते हैं एजुकेशनल में क्या कर सकते हैं आप फाइनेंशियल की एजुकेशन दे सकते हैं फाइनेंशियल के एजुकेशन वाले शॉर्ट्स बहुत ज्यादा चलते हैं क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत बेरोजगारी है सबको पैसा कमाना है तो आप पैसे कमाने के ट्रिक वाले शॉर्ट बना सकते हैं जी के फैक्स ये वाले शॉर्ट बना सकते हैं लेकिन लोग पता क्या करते हैं फैक्ट्स के शॉर्ट तो बना लेते हैं पुराने पुराने फैक्ट्स ही चेपते रहते हैं भाई पुराने फैक्ट्स नहीं थोड़े नए फैक्ट्स लेके आओ जो लोगों ने पहले नहीं

और इस तरह का कि किसी का गलिया देख के उसके उसकी औकात पता मत करो इस तरह का जो कंटेंट है ना जो लोगों को इमोशनल करता है और एक्चुअल में वो सही भी होता है इस तरह के कंटेंट अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में चल रहे हैं अगर आप अभी ट्रेंडिंग सेक्शन भी उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स हैं वो आपको पता चलेगा सारा इसी टॉपिक पर है जो आपको इमोशनल करते हैं जैसे सल्यूट आर्मी हो गया इस तरीके के जो कॉन्टेंट होते हैं ठीक है मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो इस तरीके के इमोशनली कॉन्टेंट शॉर्ट्स में बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल उनके शॉर्ट्स हो रहे हैं तो ये चीज होगी क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है ना यूट्यूब पे वो आपके वीडियो का टॉपिक ही करता है ठीक है यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप एजुकेशन में काम कर सकते हो एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं तो इमोशनल में कर सकते हैं और कॉमेडी में काम कर सकते हैं अब यहां पे दूसरा मैं आपको टिप देता हूं पहला टिप मैंने आपको बता दिया एक चीज और भी है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई शॉर्ट्स को आप शॉर्ट्स ही बनाए कैसे आप आपका शॉर्ट्स को शॉर्ट्स कैसे बनाए तो यहां पे क्या है कि वैसे तो आप 60 सेकंड तक का शॉर्ट्स बना सकते हैं नो no प्रॉब्लम लेकिन जब आप नए हैं अभी अभी यूट्यूब पे आपने चैनल बनाया है नए नए शॉर्ट्स क्रिएट करने लगे तो आप शॉर्ट को बहुत शॉर्ट बनाए यानी 15 सेकंड से 20 सेकंड 25 फाइव सेकंड में उसको खत्म कर दे पच्चीस सेकंड तक का ही शॉर्ट बनाए इससे बड़ा बिल्कुल भी ना बनाए दूसरा थोड़ा सा इंगेजिंग हो वो मतलब ऐसा इंगेजिंग हो कि आपको शुरुआत के जो पांच सात सेकंड है उसमें थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके रखना है तभी वो शॉर्ट्स को पूरा देखेगा क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा काम करता है यूट्यूब अब एक बात और करते हैं बहुत सारे चैनल मुझे रिव्यू में मिलते हैं लोग रिव्यू करवाते हैं उनके चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स होते हैं मतलब शॉर्ट्स का ही चैनल है पूरा अब मैं उसमें रिव्यू क्या करूंगा क्योंकि उसमें एक रीजन ये कि यूट्यूब पर एक चीज होती है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लेकिन एक बात की सच्चाई मैं आपको बताता हूं शॉर्ट्स में एस का कोई रोल नहीं है आप क्या टाइटल लिख रहे हैं क्या डिस्क्रिप्शन क्या टैग इनका कोई मतलब नहीं है शॉर्ट में अगर आप लॉन्ग वीडियो में एस बहुत अच्छा करते हैं बहुत अच्छी की करते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है लेकिन इसमें शॉर्ट्स में आप कैसे टाइटल थमने वगैरह कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है

जैसे आप लिख सकते हैं जैसे आप लिख सकते हैं कि जैसे आपको मान लो एक इमोशनल कंटेंट बना रहे हैं जैसे किसने लिखा आई सलूट आर्मी अब ये काफी इमोशनल इस पर क्लिक होंगे या आप लिखा यार गरीबों की मदद करके देखो खुशी मिलेगी इस तरह के जो कंटेंट होते हैं ना उस तरह का ही आप टाइटल लिख दें यानी वहीं पे बंदा इमोशनल हो जाएगा अगर मान लो किसी के सामने ब्राउज फीचर वगैरह में आपका शॉर्ट आ गया तो वो जल्दी से जल्दी उस पर क्लिक करेगा बाकी स्वाइप अप में तो आता ही है ठीक है अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटी की आपकी जो क्वालिटी है ना शॉर्ट्स की वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए जैसे अगर मान लो आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल पे आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो आप क्या करें या तो ग्रीन स्क्रीन पे बनाएं यानी खुद को ग्रीन स्क्रीन पे दिखाएं और पीछे विजुअल चलाते रहे वो थोड़ा सा इंगेजिंग हो जाता है या आप सुपर का यूज कर सकते हैं अब ये सुपर क्या होते हैं यहां पे आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना ये होता है सुपर इस तरह के सुपर का यूज जरूर से जरूर करें अगर आप मोटिवेशनल शॉर्ट्स बना रहे हैं एजुकेशनल बना रहे हैं या आपको किसी को कुछ भी नॉलेज दे रहे हैं तो आपको सुपर जरूर लगाना है तो यहां पे हमने डिस्कस किया कि भाई शॉर्ट्स एक्चुअल में बनाने कैसे अब एक चीज का ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी शॉर्ट्स मैंने बता दिया आपको किस तरह के बनाना है किस टॉपिक बनाना है कैसे बनाना है यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रखनी है आप चाहे तो एक दिन में दो शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं या आप एक दिन में एक शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपका जो शॉर्ट्स बनाने में पूरा दिन चला जाता है तो आप अल्टरनेट डे पहले एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप अपना शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं लेकिन आपको बराबर से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इससे आपके जो शॉर्ट्स है वो बहुत जल्दी वायरल होंगे ट्रेंडिंग में भी आएंगे और आपको काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा इसके अलावा और कोई भी टिप्स शॉर्ट को वायरल करने की नहीं होती है इधर उधर की टिप्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े वरना आपका टाइम खराब होगा और ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए इस तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं चलिए मिलता अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद